दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, ACNDBC। आज मैं आ चुका हूं दोस्तों एक ऐसे फार्मर के पास जिनके बारे में मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूं कि ये जो शेड है ये दोस्तों दो मंजिला है, और इस दो मंजिला शेड में कितनी लागत आई है और कितने चूजे का है, बहुत सारी चीजें होने वाली है दोस्तों। जो कि ये जो फार्म है दोस्तों, ये फार्म हाउस है एक बहुत ही अच्छे इंसान का, उनका नाम है फिरोज भाई, और फिरोज भाई के लाइफ के बारे में एक वीडियो आप लोग को जरूर दिखाऊंगा दोस्तों, कि उनका जो दरिया दिली है उस चीज को भी आप लोग देखेंगे दोस्तों। ऐसे बहुत कम लोग ही हैं इस दुनिया में जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, और दोस्तों दूसरों के बारे में सोचना बहुत बड़ी चीज होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को इस फार्म को दिखाता हूं, इस फार्म को बनाने में कितना खर्चा है उसके बारे में बात करेंगे, नीचे का पोर्शन भी दिखाता हूं, ऊपर का भी दिखाता हूं। दोस्तों अभी एक्चुअली क्या है, ये नया बन रहा है तो इसका थोड़ा सा मतलब काम तो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, बस जाली वगैरह बाकी है, अभी इसका प्लास्टर वगैरह भी बाकी है, तो वो सारी चीजें होने वाली हैं भाई से, और मैं मिलने वाला हूं। भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो फार्म है इसमें ऊपर और नीचे मिला के कितना इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके ऊपर बताया थोड़ा सा बात कर ले। ये 70 फुट लंबा है जी और 25 फुट चौड़ा है। 25 फुट चौड़ा है जी। और भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे नीचे का काम और ऊपर के काम में कितना अभी तक की कितना खर्चा हो चुका है? लमसम इसमें 20 लाख रुपये तक 20 लाख खर्चा हो गया है। जी जी जी, ये बनवाने का इतना खर्चा करके वो करने का फार्म कोई वो प्लान नहीं था जी जी, इतनी इसलिए बनाया गया जी क्योंकि पहले पतरे का था, उसमें बड़ा नुकसान हो गया जी, बार बार एक तो बाहर है, दूसरी बात हवा आंधी इतना तेज है कि वो उड़ जाता था जी जी, इसलिए रख गया कि कभी बाई चांस परिवार तो है ही है, जब तक रहेगा फार्म रहेगा, बाद में इसको घर भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, लागत लगा के इतना बनवाने का मकसद है जी जी जी। तो वैसे भाई एक चीज है कि काफी मजबूत भी है, और इसको जो दो तल्ला आपने बनाया है ये, इससे जमीन की अपनी पहली चीज तो अपनी जमीन की बचत हो जाती है, है उसके पास पूंजी है भरपूर, तो नीचे भी बना सकता है, इसके बाद उसके ऊपर भी बना सकता है। अच्छा भाई इसमें कुछ खर्चे अगर कम कर दिए जाए तो इसका कास्ट कम भी आ सकता है ना? जी जी जी, वो तो हमारा जो है जी, जैसे ये सब पूरा पिलर के ऊपर है ना जी जी, अगर ये जो बिम है जी इसके जो बीच में अगर दीवार थोड़ा थोड़ा हो जाए जी, तो इसमें लागत कम आ जाए, लागत कम आ जाए। हाँ, इसमें कंक्रीट और सीमेंट बहुत ज्यादा हो जाए नहीं हुआ। अच्छा भाई एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे अभी नीचे का जो फ्लोर है वो आपने पक्का करवाया है ऐसे ही कच्चा ही है? कच्चा नहीं, पूरा पक्का, पूरा पक्का नीचे का भी है जी। तो इस हिसाब से बना है जी, इसको मैं कारीगर जो था जी उससे बोला था कि कम से कम 5 से 6 मंजिला बनना है ये। अच्छा। नीचे जमीन के नीचे 7 फुट है और पूरा जाल बिना हुआ है जैसे बिल्डिंगों में होता है, उस तरह बनवाया था नीचे जी, और ऊपर अगर मैं इसे लसाता चला जाऊँ 5 मंजिला तो भी इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूं भाई का फार्म कि किस तरह से भाई ने बनाया है, तो चलिए अभी यहां पे सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह ऊपर जाने के लिए यहां सीढ़ी है, और इसके बाद ये जब ये चाहेंगे दोस्तों तो घर में भी यूज कर सकते हैं, और फिर इसके बाद में इस तरह से देखिए आप कितना बेहतर स्पेस है, और बीच में भी सपोर्ट दिया गया है, उस साइड में भी सीढ़ी है, और अभी इस साइड में देख सकते हैं आप इस तरह से बड़ी बड़ी विंडो है, और जिसमें से दोस्तों हवा काफ़ी अच्छे से आएगी। नीचे यहाँ से बीच में ही यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से नीचे जाने के लिए सीढ़ी दी गई है जी जी, और ऐसे अगर आप नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे इनका मोटर सिस्टम दिया गया है, और फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे भाई का जनरेटर रखा हुआ है, और फिर ये वाला भी फार्म ही है, इसका अभी काम चालू है दोस्तों।
तो ये बहुत ही अच्छी लागत इसमें, इसीलिए दोस्तों इतना ज़्यादा खर्चा आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है भाई को। लेकिन ये देखिए इस तरह से इसमें जो जाली लगी हुई है, ये मुर्गे की ही जाली है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से। क्योंकि इसमें पहले एक बार चूजा एक मतलब पहले इसमें फार्मिंग कर रहे थे भाई, अभी इसको फिर से बना रहे हैं। तो दो मंजिला फार्म दोस्तों इसी तरीके से बनाया जाता है, और अगर आप चाहें तो इसको और कम लागत में, क्योंकि ऊपर का जो रिजल्ट होता है दोस्तों काफ़ी बेहतर आता है। अच्छा भाई एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आप इसमें अपना निजी ही करते हैं या कंपनी से काम कर रहे थे? निजी कर रहे हैं। आपने टोटल निजी काम किया है, मतलब प्राइवेट ही करते हैं आप? प्राइवेट ही जी, कंपनी का कभी नहीं किया है? कंपनी का कभी नहीं किया। चलिए ये तो अच्छी बात है कि अगर आप प्राइवेट ही करते हैं तो कभी भी ऊपर मतलब डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं और नीचे भी डाल सकते हैं, वो अलग अलग मतलब आपके हिसाब से चल सकता है। दोस्तों जो दो मंजिला फार्म होते हैं इसमें एक चीज़ तो आपको सबसे बड़ी सहूलियत ये मिलती है कि पहली चीज़ ये है कि अगर आप मान के ये चलिए कि अगर आपके पास ज़मीन की कमी है, तो ज़मीन की अगर कमी है तो आप दो मंजिला सेट बना करके और उसमें मुर्गा पालन कर सकते हैं। उसमें होगा ये कि आपको कम स्पेस में, मान के चलिए कि जैसे आपके पास केवल 150x25 का जगह है, तो ऐसे में आप सोचते होंगे कि भाई हम कैसे करेंगे फार्मिंग, इतना कम ही है स्पेस। तो वहाँ पे आप डबल मंजिला फार्म बना करके और आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो हाइट का, यानी आप नीचे गर्मी के दिनों में जो रिजल्ट ऊपर वाले फार्म में आता है, जो बेहतरीन रिजल्ट आता है दोस्तों, वो शायद नीचे वाले फार्म में नहीं आता है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप फार्म बना रहे हो तो आपकी ज़मीन जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर होनी चाहिए। पूरब से पश्चिम की ओर अगर ज़मीन है तो आप फार्म आराम से बना सकते हो, और अगर आपका जो नीचे का पार्ट है, नीचे का जो बेसमेंट है आपका, वो अगर ठीक ठाक से बनाया है आपने, तो आप दो मंजिला तीन मंजिला तक फार्म को ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है।